हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रोलवे क्यूब टेक मैं वीरेंद्र हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेस रिलीज़ क्या होती है और इसके किस किस तरह की प्रेस रिलीज वगैरह होती है एग्जांपल्स भी देखे थे तो अब इसमें डिस्कस करता है कि प्रेस रिलीज लिखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन से एलिमेंट को कैसे कवर करना है प्रेस रिलीज में वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वन बाई वन तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो एक अच्छी प्रेस रिलीज में होते हैं फर्स्ट होती है हेडलाइन हेडलाइन के बाद होती है इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ डेट लोकेशन वगैरह और कोर्ट्स कोर्ट्स का मतलब है कि कोई भी प्रेस रिलीज है फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप हुई है दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके डिसीजन मेकर्स का क्या कॉमेंट्स है या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वहाँ पर सी का क्या कॉमेंट है उसके ऊपर तो ये कोर्ट्स होते हैं वो इंक्लूड करना होता है आपको प्रेस रिलीज़ में देन इन्फॉर्मेशन थोड़ी और इंफॉमेसन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बाद और इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है या फिर अपने बिजनेस की और दूसरी सर्विसेज का छोटा सा क्रिस्पी कंटेंट लिखना है तो वो देन बॉयलर प्लेट बॉयलर प्लेट होता है कि अब लास्ट में प्रेस लिस्ट जब आप जहाँ प्रेस लिस्ट खत्म होती है वहाँ पर आपने अबाउट अस या मतलब जो अबाउट कंपनी जो भी है उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन रहेगा लिंक के साथ तो इन एलिमेंट्स को कैसे कवर करना है वन बाई वन हम दिखते हैं तो सबसे पहले इन क्लियर एंड इन्फॉर्मेटिव टाइटल होना चाहिए आपका मतलब टाइटल में ही आपको जो ऑडियंस है उसको बता देना कि एक्चुअली क्या हो रहा है मोस्ट ऑफ दी इफॉर्मेशन आपको ट्राई करना है कि बहुत ही ज़्यादा इफॉर्मेटिव टाइटल बने जैसे कि वाई फाई स्टडी ज्वाइंस अन अकेडमिक ग्रुप टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर इनोग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट एट इट्स कार प्लांट इन पुणे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया एप्पल पोर्ट का सब्सक्रिप्शन एंड चैनल्स आर नाउ अव अवेलेबल वर्ल्ड वाइड तो ये इस तरह से आपको टाइटल करना है क्योंकि इसमें इफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव भी हैं ये टाइटल्स टाइटल के बाद आपको आएगा डेट इन लोकेशन कि ये कहाँ से रिलीज़ हुई है प्रेस रिलीज और कब हुई है ये प्रेस रिलीज तो डब्ल्यू आई पी एल एंटर्स इंटू पार्टनरशिप विद प्लेस तो ये आपको इंट्रोडक्शि जो पैराग्राफ लिखेंगे उससे पहले आपको लोकेशन और डेट लिखनी है लोकेशन जैसे जयपुर इंडिया इन्होंने लिख दी एंड डेट ट्वेंटी नाइन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये चीज़ आपको सबसे हर प्रेस रिलीज में इंक्लूड होनी ही होनी चाहिए देन इसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में एक्चुअली ये सोच के लिखना चाहिए आपको कि आपकी जो प्रेस रिलीज है उसकी समरी आपने एक पैराग्राफ में दे दी यूज़र को इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करना है कि ये किसके बारे में है क्या हो रहा है पार्टनरशिप जो जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप हो रही है तो क्यों हो रही है किन किन के बीच हो रही है और कोर सब्जेक्ट क्या और ये मैटर क्यों करता है क्यों हो रहा है सब कुछ तो जैसे कि अन अकेडमी वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अन अकेडमी ऑफ वाई फाई स्टडी की पार्टनरशिप हुई थी और मतलब अन अकेडमी ने वाई फाई को वाई फाई स्टडी को एक्वायर कर लिया था तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अगर बात करें तो टुडे अन अकेडमी अनाउंस दी एक्विजिशन ऑफ जयपुर बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशन एंड करियर पोर्टल वाई फाई स्टडी एंड कैश एंड स्टॉक डील तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में इन्होंने ये दिखा दिया कि अन अकेडमी ने क्या किया है एक्विजिशन किया है देन वाई फाई स्टडी क्या है जयपुर बेस्ट ऑनलाइन स्टार्टअप है एजुकेशन का और लास्ट में इन्होंने दिखा दिया कि क्यों किया एक्विजिशन विल फोर्टीफाइव अन एकेडमी इन स्मॉलर इंडियन टाउन्स एंड सिटीज़ वेर वाई फाई स्टडी हैज़ ए स्ट्रांग होल्ड तो एक्विजन का रीजन क्या था यह क्यों मैटर करता लोगों के लिए अन एकेडमी ने इसलिए किया क्योंकि वाई फाई स्टडी की जो लोकल में या फिर जो जयपुर के आसपास के कुछ कुछ एरियाज इन्होंने कवर कर रखे हैं या फिर राजस्थान में कवर करें वहाँ पर प्रेजेंट साइड वाई फाई स्टडी की उसको अन अकेडमी यूटिलाइज़ करेगा अपने लिए तो ये मोटिव हो गया तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में बतानी है देन आपको कोटेशन यूज़ करने चाहिए कोटेशन के माला भी होता है कि जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो भी प्रेस रिलीज़ होती है चाहे मर्जर एक्विजिशन की बात हो चाहे प्रोडक्ट लॉन्च की बात हो चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो या फिर पार्टनरशिप की बात हो तो हर प्रेस रिलीज में कोटेशन का सेंस है कि जो भी डिसीजन मेकर है कंपनी के चाहे सी हो सी हो एस हो तो इनके कोटेशन उन्होंने क्या कॉमेंट किया उस न्यूज़ के ऊपर तो वो इंक्लूड करना है आपको हर प्रेस रिलीज में समझ लीजिए कि अन अकेडमी वाली बात करते हैं अन अकेडमी ने जैसे एक्वायर किया था वाई फाई स्टडी को तो वाई फाई स्टडी के जो सी ईओ है उनका क्या कॉमेंट था वो प्रेस रिलीज में उन्होंने इंक्लूड किया प्लस आपको जैसे दो कंपनी के पार्टनरशिप वगैरह हो रही है एक्विजिशन वगैरह हो होती है दोनों कंपनी के जो डिसीजन मेकर थे उनका कोटेशन इंक्लूड करना चाहिए देन कोटेशन के बाद आपको जो एडिशनल इन्फॉमेशन है जो वैल्यूबल है वो इंक्लूड करनी चाहिए जैसे कि वाईफाई स्टडी वाला एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या क्या है कोटेशन के बाद उन्होंने एडिशनल इन्फॉमेसन दे दी कि वाईफाई स्टडी कब शुरू हुई थी किसने शुरू की थी और कहाँ पर आप इनके सब्सक्राइबर वगैरह हैं और यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ इन्होंने कवर कर लिया देन अन अकेडमी ने अपना दिखा दिया कि रिसेंटली हमने अन अकेडमी प्लस भी प्रोग्राम लॉन्च किया है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कोटेशन के बाद में इंक्लूड कर ली तो जिससे कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है कि और इस प्रेस रिलीज के साथ और भी चीज़ें अपनी उन्होंने प्रमोट कर दी देन ये करने के बाद बॉयलर प्लेट आएगा बॉयलर प्लेट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो इंट्रोडक्शन आता है जैसे कि अबाउट एन अकेडमी उन्होंने जो प्रेस लिस्ट खत्म होती है वहाँ पे अबाउट एन अकेडमी अन अकेडमी का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया और लास्ट में यहाँ पे लिंक आ गया और लिंक के बाद मीडिया कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे मीडिया कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है इंक्लूड करने के लिए प्रेस रिलीज में कि समझ लीजिए कोई भी मीडिया पोर्टल है या फिर न्यूज़ वेबसाइट है उनको कवर करनी है तो वहाँ पे इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्रेस लिस्ट के लिए तो एट द एंड आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रेस रिलीज का कुछ ऐसा बनेगा कि आप सबसे पहले हेडलाइन आ जाएगी देन डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन आ जाएगा डेट एंड लोकेशन के साथ देन जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकर है उनका उनके कोर्ट्स देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड देन बॉयलर प्लेट आ जाएगा उसके बाद आपको ये तीन हैश यूज़ करने हैं ये हैश का यूज़ करने का मीनिंग ये है कि वहाँ पर प्रेस रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है समझिए किसी को मीडिया पोर्टल को वहाँ से कॉन्टेंट वहाँ से कॉपी करना है या फिर आप किसी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडिया पोर्टल्स को तो वहाँ पे पता चलता है कि ये एंड हो गया यहाँ पे प्रेस रिलीज़ का तो इस तरह से आप बहुत अच्छी प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं और ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो पॉइंट्स थे सारे एसेंशियल पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई आपको पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो कोटेशन की बात करें तो कुछ लोग सोचते हैं कि कोटेशन हम मिस कर सकते हैं हम कोटेशन किसी को अगर कमेंट नहीं करना है तो लेकिन ये चीज़ नहीं होती हमेशा आपको प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना चाहिए हर चीज़ का प्रेस रिलीज़ का भी ये स्ट्रक्चर फॉलो आपको हमेशा करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन फिर डेट लोकेशन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कोटेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देन बॉयलर प्लेट तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखकर आप एक अच्छी प्रेस रिलीज हमेशा लिख सकते हैं थैंक यू